रीवा से रांची नेशनल हाईवे NH-39 की सीधी से सिंगरौली 110 किलोमीटर की सड़क की बदतर गढ़ों वाली सड़क ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक दशकों से सरकारी फाइलों में उलझी हुई है। 8 साल पहले केंद्र सरकार ने गैवन इंडिया कंपनी को टेंडर मिला था, आधा अधूरा काम मिला, लेकिन बीच में ही राजनीतिक दांव पेच में कंपनी फंस गई और अधूरा काम छोड़कर बोरिया बिस्तर बांध कर भाग गई। कई साल गुजरने के बाद 350 करोड़ का रिटेंडर हुआ। दोबारा भूमि पूजन होने के 1 साल गुजर गए और काम शुरू नहीं हुआ, लिहाजा आम लोगों के सब्र का बांध टूट गया। 10 सालों में सड़क की खराब हालत को लेकर युवाओं ने युवा नेता प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में 110 किलोमीटर सिंगरौली से सीधी पैदल मार्च पद यात्रा शुरू कर दिया और 25 किलोमीटर दूर बरगवा पहुंचे। फिर आज बरगवा से देवसर होते हुए 5 दिनों में NH-39 संघर्ष समिति सिंगरौली सीधी के युवा सीधी पहुंचकर समापन करेंगे। युवाओं ने इसे गैर राजनीतिक आंदोलन बनाया है, जिससे पूरे रास्ते भर लोग स्वागत करते हुए जगह जगह नाश्ता पानी भी कराते हुए हौसला बढ़ा रहे हैं। संघर्ष समिति ने स्थानीय सांसद पर भी उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि इस नेशनल हाईवे रीवा रांची फोर लेन सड़क आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस रोड से बड़े बड़े वाहन छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार रोजाना आते जाते हैं और हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। साथ ही रोड में उड़ती धूल से रोड के किनारे बसे लोगों का जीना मुहाल है। लोगों को अधिकार देंगे, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि चुनके आ रहे हैं जिनका एक गांव है। जनपद सदस्य रसबेलाल भाई रीसू सिंह जी और उनकी पूरी है, ये पहली मच्छरों में स्थान मिलेगा। साथियों, हम सब सिंगरौली उस भूमि के लोग, दूषण की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, जो लोगों की मौत हो रही है उसको बात करिए। हम सब देखा करते थे, राव साहब के क्षेत्र के नेता हुआ करते थे, हमारी आवाज जो थी वह दिल्ली तक सुनी जाती है। मतलब कहीं ना कहीं खो जाएंगे, विकास का जो मुख्यधारा है उससे हम सब पीछे। स्वागत और हृदय से धन्यवाद। शिवम भैया ने जैसा कहा कि देखिए, जिस तरह से हमारी पूर्व महापौर आदरणीय श्रीमती रेणु शाह जी ने कहा कि ये गूंगी बहरी सरकार लगातार सोई हुई है, 10 वर्षों से NH-39 की खस्ता हालत हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो कभी ज्ञापन के माध्यम से फोटो खिंचवाते हैं, कभी भूमि पूजन के नाम पर फोटो खिंचवाते हैं, कभी वर्चुअल मीटिंग है। ये सिंगरौली की जनता ये देख करके थक चुकी है। सिंगरौली की जनता को रोड चाहिए। जब सिंगरौली का व्यक्ति मुख्य मार्ग सीधी सिंगरौली से अपने घर की तरफ आता है या रीवा की तरफ जाता है तो उसके परिवारजन डरे और सहमे रहते हैं कि हमारे घर परिवार वाले सुरक्षित पहुँच जाएँ। ये बहुत बड़ी बात है। कई ये सरकार घोटाले की सरकार, कहीं कहीं व्यापक पैमाने में घोटाला हुआ उस सड़क में और जो ठेकेदार था उसकी सारी वाहन सड़कों पर सड़ रही है, जिसकी एक्चुअल तस्वीर हम आपको यात्रा के दौरान दिखाने का काम करेंगे। और ये सरकार पूरी तरीके से 100 किलोमीटर की रोड को लेकर के सोए हुए उदासीन है और सिंगरौली का युवा ये ठान लिया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पर उतर करके पद यात्रा करके इस गूंगी बहरी सरकार को हिलाने का और जगाने का काम। देखिए, ये यात्रा 110 किलोमीटर माजल मोड़ से चल करके सीधी तक पहुँचेगी। हर हम लोगों का यात्रा 5 दिन की यात्रा है। पहला पड़ाव हमारा बरगवा में, आज रात्रि विश्राम बरगवा में होगा। कल सुबह हम बरगवा से फिर 17 तारीख को चलेंगे देवसर तक, फिर रात्रि विश्राम हम देवसर में करेंगे और वहाँ आम जनमानस से संपर्क करने का काम करेंगे। 18 तारीख को सुबह देवसर से उठ करके बहरी के लिए यात्रा प्रस्थान करेगी। 18 को हम लोग बहरी में विश्राम करेंगे और सुबह पुनः बहरी से चल करके कुचवाही में रुकने का की व्यवस्था वहाँ के युवा साथियों द्वारा दी गई है। 20 तारीख को कुचवाही से चल करके 12 बजे या 1 बजे के आसपास हमारी यात्रा पहुँचेगी सीधी में। वहाँ कुंवर अर्जुन सिंह की प्रतिमा पर, पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और यात्रा को समाप्त करेंगे। साथ ही साथ हमारे अन्य सामाजिक संगठन के लोग भी इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। कांग्रेस पार्टी का भारी मात्रा में इस यात्रा को समर्थन है और अन्य सामाजिक संगठन भी जुड़े हुए हैं। करणी सेना के भी तमाम हमारे साथी जुड़े हुए हैं और अन्य सामाजिक संगठन भी के लोग भी जुड़े हुए हैं। सभी लोग, हर आम आवाम सिंगरौली का जो पीड़ित है और जिनको ये लग रहा है कि वाकई में रोड बननी चाहिए, वो इस यात्रा का भरपूर समर्थन कर रहा है। हम आप सबके माध्यम से सिंगरौली की जनता से निवेदन करेंगे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गडकरी जी को, प्रधानमंत्री जी को, सांसद महोदया को टैग करके, ट्वीट करके जगाइए और बताइए कि सिंगरौली का आम आवाम जग चुका है।